एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं एडवोकेट के पास, जो काव्य बुलाया है। हमने काव्य की स्कूल की थोड़ी सी कंप्लेन दी थी कि स्पेशल एजुकेटर नहीं रख रहे, तो उन्होंने बुलाया था। वहाँ जा रहे हैं, तो जो होगा शेयर करेंगे आप। चलिए, सॉरी मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी एडिटिंग करते टाइम, देखा तो अभी सुबह के 8 बज रहे थे और हम जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम काव्य के स्कूल से मैं बहुत फैड अप हो गई हूँ। एंड काव्य का जो मैंने एडमिशन कराया चाइल्ड विद स्पेशल नीड कैटेगरी में आया था, और उसके बाद भी अगर स्पेशल बच्चों को आप एक्सेप्ट करते हो तो स्पेशल एजुकेटर स्कूल में होनी ही चाहिए, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सब में थी ऑलरेडी, और काव्य भी जितने भी स्कूल जा रही थी वहाँ स्पेशल एजुकेटर थी, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और काव्य को मैं मंडे गई थी पिकअप के लिए, अभी इसके साथ कार पूल की है, वो 10 दिन से बीमार है, तो मैं डेली स्कूल से लेके आ रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं और मेरे को लाना पड़ता है डेली, मेरे को ऑफिस में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है कि आज मैं हॉस्पिटल गई हूँ या कहीं थोड़ा सा, मैं कई बार बिना बताए चली जाती हूँ, तो मुझे बड़ा टाइम लगता है। 11 बजे मैं निकलती हूँ, कई बार 10:30 बजे और 1 बजे घर पहुँचते, तो इतना लंबा ब्रेक का मुझे मतलब जस्टिस देना पड़ता है कि क्यों मैं ब्रेक ले रही हूँ। और मुझे बहुत शॉकिंग लगा स्कूल जाके, 3-4 दिन से काफ़ी कंप्लेन भी आ रही थी, आप जानते हो कंप्लेन आ रही, इससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। आज से पहले किसी भी स्कूल में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो प्राइवेट थे तो स्पेशल एजुकेटर रहते थे, और ये इतना फेमस है ब्रांड, इसके एजुकेशन पे लोग गर्व करते हैं, एडमिशन नहीं होते, और यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं है, और टीचर को भी अवेयरनेस नहीं है हाउ टू डील विद स्पेशल नीड, कैसे पढ़ाना चाहिए। वो काव्य को एकदम अलग बिठाते हैं, जैसे कि ये कोई जानवर है, उसको अब सेंस आने लग गया कि हाँ उसकी उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, उस मतलब उसको पता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या लाइक ईयर्स नहीं है, ऑब्वियस है उसको पता चलता है इस एज में, 6 साल ब्रेन तो नॉर्मल है। तो मुझे बहुत डाउट, फिर मैं पीटीएम में मैम को बोला कि मैम उसे अकेला ना बैठाइए, किसी गर्ल के साथ बिठाइएगा, तो मैम कहती कोई कोई इसके साथ बैठना नहीं चाहता, और मुझे थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी। बट उन्होंने, मैंने उनसे पूछा भी कि अगर मैं ऐसे कंप्लेन करूँगी तो मेरे बच्चों को निकाल ना दें, तो वो कह रहे कोई उनका बाप भी नहीं निकाल सकता स्कूल से, और आप ऐसे और बच्चे पेरेंट्स को कलेक्ट करिए जो इस तरह की कंप्लेन कर सकें। बट राइट नाउ मेरे पास, मैं किसी को ऐसे कैसे कन्विंस करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि किस क्लास में कौन सा बच्चा बैठा है। तो हम उतर रहे थे, गाइस हम एडवोकेट के पास से आ गए हैं, और जो कंप्लेन थी वो हमने डाल दी है, और 15 अगस्त के बाद वो करेंगे थोड़ा सा वॉकिंग। हम आए कार के शोरूम में, तो कार देखने जा रहे हैं, काव्य को पिक एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम 10 दिन से मुझे मेरे काफ़ी पैसे लग रहे हैं पिकअप करने में, ड्रॉप घर पे लाने में काव्य को, तो माय हस्बैंड सेइंग कि आप गाड़ी ले ही लो, क्योंकि हमेशा वो छुट्टी करके नहीं आएंगे, लाइक स्पीच थेरेपी के लिए भी जाना होता है, तो अर्जी में काफ़ी पैसा लगता है। तो मेरा बजट 5 लाख का था, और उन्होंने सैलरी काफ़ी महंगी थी, और फिर मैंने बोला ऑल्टो, ऑल्टो 2012 में जो मॉडल था वही था, और 2013 में मेरी फर्स्ट कार ऑल्टो ही थी, तो मैंने ऑल्टो रिजेक्ट कर दिया कि ऑल्टो नहीं लेना, कुछ भी हो जाए, मतलब लुक भी नहीं चेंज किया, कॉस्टली भी है, तो यहाँ सैलरी दे रहे हैं। हमने बुकिंग कर दी है, अब जो प्रोसेस वगैरह है वो कर रहे हैं, और लोन अप्लाई किया है थोड़ा सा, क्योंकि इतना कैश तो नहीं होता है, तो मैं बताऊंगी मैंने कौन सी ली है गाड़ी नेक्स्ट ब्लॉग में। बुकिंग करा दी है मैंने, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन दिया है, अगर सक्सेसफुल होता है तो हम परचेज कर लेंगे। डाउन जो बुकिंग अमाउंट है मैं पे कर दी, छोटा सा जो होता है ना चिप्स के अंदर जो है उसमें से इसको कार मिली थी, तो वो यही कह रही ऐसी कार लेना, ऑरेंज लेना, रेड लेना, तो वो कार में चली गई है और बुकिंग और निकल ही नहीं रही थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे गाड़ी ले लोगी तो चलाना सीख ही जाओगी, और कब तक वेट करोगी, तो करना है करो, ठीक है स्टेप ले लिया है तो अब लेनी है। और प्रॉब्लम हो रही थी, एक्चुअली हो रही थी कि आप पब्लिक ट्रांसफर यूज़ करके और स्पेशल गाड़ी का कितना ट्रैवल करोगे, तो हमने कार की डिटेलिंग, कौन सी कार ली है, क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। गाड़ी तुमने ज़्यादा करा दी, मेरा आईफोन रह गया।
सीख जाएंगे एकदम। क्या अब ले लिए किस तरह की फाइनली गाड़ी ले ली है, बुक कर दी है। चलो ऊपर दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, और 4:30 बजे और हम घर आगे गाड़ी देख के बुक करा के ले लिए। कौन सी गाड़ी ली है, क्या गाड़ी ली है, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज का दिन बहुत हैक्टिक था, बहुत थक गई हूँ, सोने का मन कर रहा है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियो पहले भी शूट हुए, मैंने अपलोड नहीं करे हैं, तो सून मैं अपलोड कर दूँगी। और हम करते बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।